जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे अल्टकॉइन के बारे में जो कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको एक ह्यूज प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए बोलूंगा वीडियो को लाजमी करके एंड तक देखो, ये बहुत डिटेल में इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा। सेकेंड चीज, अगर आप अल्टकॉइन ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप सिग्नल्स पे पैसा कमाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन करो। रिसेंटली हमने WTC का सिग्नल शेयर किया था और मार्केट में तकरीबन 33% का प्रॉफिट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम लगातार सिग्नल्स, यहाँ पर ये देखो WTC का सिग्नल हमने यहाँ पर शेयर किया था तकरीबन 12 मई को, और आप देख सकते हो 33% का प्रॉफिट भी हिट हुआ। DCR का सिग्नल किया था, 19% का प्रॉफिट भी हिट हो चुका है। तो अगर आप इस टाइप के बेनिफिट चाहते हो तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बिटकॉइन की, बिकॉज बिटकॉइन का एनालिसिस हमको डेली जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट जो हिसाब से मोमेंटम शो करता है, तो मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम क्या हिसाब से रिस्पेक्ट करेगा, इसके लिए हमको डेली के बेस पर या जब भी हम वीडियो बनाएंगे उस बेस पर हमको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बिटकॉइन काफी लंबे टाइम से ये वाला जो रेजिस्टेंट है इसको तकरीबन होल्ड कर रहा है, जो कि 31,700 का था। लास्ट टाइम की अगर बात करें तो मार्केट पत्ते हुई 24,000 का जो रेजिस्टेंट था उसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा था। यहाँ पर आप देखो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के अंदर तकरीबन 1 वीक, 2, 3, 4, 5, 6, तकरीबन 6 वीक तक मार्केट ऐसा ही साइड में घुमा था, उसके बाद एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट हुआ। सेम वैसे ही ये जैसा एक रेजिस्टेंट था वैसे ही यहां पर भी एक सेम रेजिस्टेंट है। यहां पर अगर बात किया जाए तो 2, 4, 5, 6 वीक हो चुके हैं। अगर हम इसी पिछले हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर भी 6 वीक का साइडवे मार्केट था, जिसके अंदर मेजर करेक्शन हुआ और फिर रिवर्सल हुआ। तो सेम वैसे ही अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर भी मार्केट तकरीबन 6 वीक हो चुका है। हमारा एक्सपेक्टेशन यहां पर यह है कि तकरीबन मार्केट 24,500 को टेस्ट करे, तो अगर मार्केट यहां से बड़ा क्रैश करता है तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इस लेवल का वेट कर रहे हैं। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करके 31,700 को ब्रेकआउट करे। तो टिल नाउ मार्केट में वीकली जोन में कोई ऐसा चीजें नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप डेली में भी आते हैं तो कोई खास यहाँ पर कुछ ऐसा चीजें नहीं मिल रही जिसके बेस पर हम ये बोले कि यहाँ से मार्केट एक तरीके से बुलिश होगा। फिलहाल वक्त में मार्केट रिटेस्ट भी कर चुका है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट 24,500 तक एटलीस्ट या $25,000 तक एटलीस्ट मार्केट टेस्ट करे, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा और मार्केट हायर हाई जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, मैं जब इसके लिए बात करने वाला हूँ कॉइन की, वो है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए लाइट कॉइन का हाल्विंग होने जा रहा है, ऑलमोस्ट 76 डेज यहाँ पर रिमेनिंग है, बहुत करीब हम यहाँ पर आ चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ सेम जैसा बिटकॉइन के अंदर हाल्विंग साइकिल चलता है, वैसे ही लाइटकॉइन के अंदर भी इसको रिस्पेक्ट मिलेगा। अभी के वक्त में 12.5 LTC रिवार्ड मिलता था पर ब्लॉक, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 6.25 बेसिकली अल्टकॉइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइटकॉइन के लिए। अब मैं लाइटकॉइन को क्यों ले रहा हूँ, क्यों मैं इस कॉइन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ टेक्निकल बेस फोकस नहीं करता हूँ, मैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों चीजों को देखता हूँ। ऑलरेडी लाइटकॉइन को काफी टाइम पहले मैंने प्रीफर भी किया था। अगर हम बात करें तो पहले यहां पर तकरीबन आपको $76 के करीब एक बार लाइटकॉइन प्रिफर किया गया था, एग्जैक्टली 5 मंथ्स बिफोर। अभी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो एक ऑल टाइम प्राइस यहां पर $105 को टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा यहां पर टेक्निकल बेस समझने की कोशिश करूंगा कि क्यों हमको लाइटकॉइन को नजर रखनी चाहिए और मेरे हिसाब से ये कॉइन बेसिकली क्यों आपको प्रॉफिट दे सकता है। सबसे पहला रीजन तो आपको बता चुका हूं, हाल्विंग। हाल्विंग बहुत ज्यादा करीब है और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर अल्टकॉइन के इंडेक्स के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम बनता है तो कहीं ना कहीं हमको लाइटकॉइन के अंदर अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। देखिए यहां पर एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न काफी लंबे टाइम से फॉलो होते हुए आ रहा है, ओके। ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न अगर हम मैं बात करूं तो तकरीबन 2018 को बॉटम किया था, फिर एक हाई प्राइस क्रिएट किया जहां पर एक बॉटम कितना था तकरीबन $22 का, उसके बाद हाई प्राइस क्रिएट हुआ था $141, फिर मार्केट कोरोना के कारण उसके कारण क्रैश हुआ, बॉटम क्रिएट किया तकरीबन $24 के करीब, फिर एक हाई प्राइस क्रिएट किया था तकरीबन $400 के करीब। तो आप आइडिया लगा लो 24 से 400 तकरीबन 1500% का प्रॉफिट हमको लास्ट बुल साइकिल के अंदर देखने को मिल चुका था।
अगर अभी की हम बात करें तो मार्केट फिर से यहां से क्रैश हुआ। अभी हम क्या एक्सपेक्टेशन रखे मार्केट से, वो अगर मैं यहां पर बात करूं तो भाई यहां पर सिंपल सी चीज है कि यहां पर टेक्निकल की अगर बात करें तो मार्केट इस ब्रॉटिंग फॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे देखो, रजिस्टेंट को टेस्ट किया था, रजिस्टेंट को टेस्ट किया, सपोर्ट को टेस्ट किया, सपोर्ट को टेस्ट किया, और एग्जैक्टली यहां पर सपोर्ट को टेस्ट किया। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी हमको कहीं ना कहीं अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग करने के लिए। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं, ओके, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट हटा देता हूं। अभी इस ट्रेंड लाइन के बेस पर हम बेसिकली एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहां पर अगर मार्केट में आता है अचानक सा, तो ये ट्रेंड लाइन भी इजीली तरीके से ब्रेकआउट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये देखो, ये अपर ट्रेंड लाइन में इसको ड्रॉ करता हूं। आप शेडो को कनेक्ट करो या बॉडी को कनेक्ट करो, जो हिसाब से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो कनेक्ट यहां पर आप कर सकते हो। देखिए, अभी के वक्त में अगर आप परचेस करते हो तो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसा रहेगा उसको आप यहां पर ध्यान में रख लो। सबसे पहला जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां पर रहेगा बेसिकली वो आपका ये वाले जोन में रहेगा, ओके। इस वाले जोन के अंदर तकरीबन यहां से कितना हो गया, ये 130 $120 से लेकर, ओके, लिख भी देता हूं आपके लिए, $120 टू $130, ठीक है। ये एक जोन है जहां पर हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट अपना इस जोन पे बनाएगा। ये आपका फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट मैं आपको बता दूं तो सेकंड टारगेट हमको बेसिकली यहां पर देना है इस वाले जोन के अंदर, जो कि मेरा बुल रन का टारगेट रहेगा। सेम वही चीज है जो ऑलरेडी प्रीवियस टाइम हमको देखने को मिल चुका था। लास्ट बुल रन के हिसाब से 1500% का प्रॉफिट था, लेकिन इस बुल रन में हम एक सिस्टमेटिक वे से टारगेट रखेंगे। अगर यहां पर मैं बात कर दूं तकरीबन $285, ठीक है, ये बेसिकली आपका सेकंड टारगेट रहेगा। और लास्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहां पर आप देखो, यहां से अगर आप फिबोनाची यूज करते हो तो मार्केट ने तकरीबन कौन सा जोन को टेस्ट किया था, 2.2.618 जोन को, ओके। तो सेम अगर हम ये बात करें कि मार्केट एग्जैक्टली पिछले हिस्ट्री की तरह फॉलो करेगा या उसके आसपास, तो मैं यहां पर भी अपना जो फाइनल टारगेट देना चाहूंगा वो सेम 2.618 के करीब देना चाहूंगा, जो कि तकरीबन $1,022 के करीब का यहां पर बन रहा है। अब दोबारा एक चीज मैं यहां पर बता दूं, ये जो टारगेट है 1,000, ठीक है, मैं इसको पहले बता दूं, $1,010 कर देते हैं, या राउंड फिगर के लिए हम कहते हैं कि $1,000, ओके, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। अब उन लोगों के लिए बता रहा हूं, गौर से देखो, जो लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप जितने भी कॉइन से एंट्री लो, आप 10 कॉइन लो, 20 कॉइन लो, आपके पॉकेट जितना आपको इजाजत देता है वो हिसाब से आप एंट्री लो। आप जब भी इसमें एंट्री बनाएंगे, ठीक है, सेम चीज है, स्टॉप लॉस आपको लाजमी यहां पर यूज करना है $63 के बिलो या उसके आसपास, आपको बेसिकली यहां पर स्टॉप लॉस देना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन हो गया तो एटलीस्ट हम ज्यादा लॉस में ना जाए, इसके लिए स्टॉप लॉस वहां पर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला टारगेट पे आपको जो भी कॉइन आप परचेस करोगे, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल के लिए आपने 30 लाइट कॉइन परचेस किया, 30 लाइट कॉइन, तो पहले टारगेट पर आप बेसिकली आपका 10 लाइट कॉइन सेल करोगे, सेकेंड पर आपको 10 सेल करना है, और लास्ट टारगेट पे आपको 10 सेल करना है। अब याद रखो, स्टॉप लॉस हम यहां पर दे रहे हैं तकरीबन राउंड फिगर के, मैं कहता हूं कि $60 पे मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं। जैसे ही मार्केट आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर देगा, ओके, 10 कॉइन आपके सेल हो गए, आपने स्टॉप लॉस को यहां से निकालना है, एंट्री प्राइस कितना है 85 $89, वहां पर लाकर मूव कर देना है। सेम वही चीज, जैसे ही सेकंड टारगेट कंप्लीट होगा आपको स्टॉप लॉस को यहां से मूव करना है, ओके, उसके बाद आपको एंट्री जो फर्स्ट टारगेट है वहां पर लाकर छोड़ देना है। अब अगर बाय चांस मार्केट नेक्स्ट टारगेट हिट नहीं करते हुए रिवर्सल भी होता है तो ऑलरेडी दो ट्रेड हमारे प्रॉफिट में क्लोज हो गए, ठीक है, और थर्ड ट्रेड भी हमारे प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्टॉप लॉस को मूव कर दिया है। ये टैक्टिक यूज करोगे तो ही हर बुल साइकिल में प्रॉफिट में रहोगे। जैसे मुझे हर कोई पूछते रहते हैं ना कि सर आप हर साइकिल में प्रॉफिट कैसा बनाते हो, उसका रीजन यही है कि मैं एक बार बाय करके ये नहीं देखता हूं कि मैं डायरेक्ट आसमान पर जाकर सेल करूंगा। कुछ रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं, तो बेसिकली यहां पर वही चीज है कि हर रजिस्ट्रेंट पे हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं और स्टॉप लॉस को भी एक तरीके से बेसिकली हम वहां पर मूव करते रहते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के बेस पर हर बुल साइकिल में आप प्रॉफिट में रह सकते हो, और स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो ही आपको फायदा है, स्टॉप लॉस यूज नहीं करेंगे तो यकीन मानो आप 100% रिस्कियर में अपना ट्रेड लेकर चले जाओगे। तो गाइज, ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो,
इंशाल्लाह आप जितने भी कॉइन्स को परचेज करेंगे, इतनी एश्योरिटी है कि कहीं ना कहीं हम जो क्लोजिंग करेंगे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही क्लोजिंग करेंगे। और अगर ऑल टाइम हाई प्रॉफिट की यहां से बात करूं तो तकरीबन 912 1000% के करीब का यहां पर हमको प्रॉफिट जनरेट होगा अगर मार्केट ऑल टाइम हाई प्राइस हिट होता है। दोबारा रिपीट करवा दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा कॉइन आपको $1000 पे सेल करना है। तीन टारगेट है, तीन में डिवाइड करो, हर लेवल पर जैसे जैसे मार्केट जाएगा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहो और स्टॉप लॉस को मूव करते रहो, ठीक है। और सेकंड चीज, मैं ये चीज अप्लाई कर रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, बाकी अगर आपको इसको फॉलो करना है आप इसको फॉलो करो, क्योंकि मैं किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं। ओके, फिलहाल इस वीडियो को यहां पर एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।